post-therapy video of Praveen and today date is 16th of October 2019. Praveen, बताइए क्या problem के साथ आए थे और treatment के बाद कैसा लग रहा है और कैसे comments आ रहे हैं लोगों के? मेरा नाम प्रवीण है और मुझे high pitch का problem था पिछले 7-8 सालों से तो थोड़ा अगर कुछ ज़्यादा लोग होते या crowd होता तो मुझे बहुत effort लगाना पड़ता था तो इस वजह से फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इधर बैंगलोर आया था और ट्रीटमेंट के बाद अच्छा लग रहा है और लोगों के कमेंट्स भी अच्छे हैं और लोग फील कर रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था और चेंजेस भी बहुत अच्छे आए हैं तो क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पर यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, यस श्योर। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है तो कई बार क्या हो रहा है कि कुछ फेक लोग भी पियरफोनिया के वीडियो डाल रहे हैं, या तो ट्रीटमेंट से पहले का डालेंगे या ट्रीटमेंट के बाद का डालेंगे। तो आपको ये देखना है कि जब तक उस पेशेंट का प्री और पोस्ट, मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, ना मिले तब तक उस डॉक्टर उस प्रोफेशनल पर भरोसा नहीं करना, जब तक प्री और पोस्ट पर, अगर पोस्ट मिल भी जाए तो जिस कंडीशन में प्री है उसी कंडीशन में पोस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्री वाली वीडियो है तो उसमें लोग बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है। अब पोस्ट वाला जब दिखाते हैं आजकल के चालाक लोग तो क्या करते हैं, 1 2 3 4, आप बताइए 1 2 3 4 क्या ये चेंज है? आपने इतने लोगों का देखा, वो तो आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं, शायद मैं चाहूँ तो फर्स्ट या सेकेंड डे। लेकिन आप देखिए कॉन्वर्सेशन पे आने के लिए कॉन्फिडेंटली हमें 8 डेज लग गया, 7-8 डेज लग जाता है। तो मोस्टली रेयर केसेस में मैंने भी एक दिन में भी ठीक किया है, लेकिन वो ऑफिशियली मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जब तक पेशेंट कॉन्वर्सेशन पे नहीं आता है तो कोई भी अगर कोई कहता है मैं न्यू सर्जिकल टेक्निक से और क्लिनिक में कुछ दिखा रहा है, कुछ ओपीडी का माहौल ऐसा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, मुंह में कुछ इंस्ट्रूमेंट डाला है और दिखा रहा है 1 2 3 पे पेशेंट बड़ा मोटी आवाज में बोल दिया, तो ये एक सक्सेस नहीं है। क्योंकि थेरेपी से पहले जब सेंटेंस में बोला है, थेरेपी के बाद में सेंटेंस में दिखाना है उस डॉक्टर को, तभी आप उस पर भरोसा कीजिए, नहीं तो खुद को आप चीटिंग से बचा नहीं सकते हैं। और मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से की है, वहाँ पे पैसे देकर एडमिशन नहीं होता है, एंट्रेंस क्लियर करके, और कोई मेरे प्रोफेशन में घुस के मेरे पेशेंट को मिसगाइड करेगा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बचिए वैसे वीडियो से। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.